Welcome to the lecture series of motion in a straight line. Now when we are at lecture 5, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले सेशंस में एवरेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब निकालना हमने सीखा था। इस सेशन में हम लोग ग्राफ्स के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं, क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। इन चीजों को हम लोग आज के सेशन में देखा जाएगा और डिफरेंट एग्जांपल्स भी किया जाएगा ताकि ये चीजें हमें क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग फार्मूले लिख लेते हैं जो अभी तक हमने देखा, क्या क्या फार्मूले हमने आज अभी तक पढ़ा है, उन चीजों को एक साथ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमें क्या पता था, v इज इक्वल टू ds बाय dt या dx बाय dt, हमने नोटेशन वहां पे dx बाय dt दिया था, तो हम लोग यहाँ पे dx बाय dt लिखेंगे। क्लियर, dx बाय dt। सेकेंड फार्मूला हमने देखा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वो क्या आ रहा था हमारा, dv बाय dt। तो ये दो फार्मूले और एवरेज एक्सेलरेशन, फिर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, इन सब के भी हमारे पास फार्मूले थे, उनका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बेसिकली हमें इन दो फार्मूले का जरूरत है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में आपको बताया था, तो चलिए उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं, y एक्सिस पे हम लोग पोजिशन को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस और ये हो गया पोजिशन एक्सिस। तो इस तरह से जो भी अगर इसके अंदर प्लॉट बन रही है, सपोज दैट एक हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया या एक कर्व बना दिया इस बार हमने, तो ये हमारा हो जाता है पोजिशन टाइम ग्राफ। जो भी ये कर्व बन रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजिशन टाइम ग्राफ को। तो पोजिशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, हियर ऑन एक्स एक्सिस वी टेक टाइम and on y-axis, here on x-axis we take time and on y-axis we take position, okay? यानी position time graph में हम x-axis पे time को लेते हैं और y-axis पे हम लोग positions को, position बोल सकते हैं distance या displacement। अब अगला हम लोग velocity time graph को भी देख लेते हैं, वो क्या होती है, नाम से ही सारी चीजें clear है, but मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको हर एक चीज का डेफिनेशन भी देते जा रहा हूँ, एग्जांपल्स भी देते जा रहा हूँ, ताकि ये टर्मिनोलॉजी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिमिलरली जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को डिफाइन किया, हियर ऑन एक्स एक्सिस वी टेक टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक पोजीशन, वैसे ही हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी डिफाइन करें। क्या होगा ये, हियर ऑन एक्स एक्सिस वी टेक टाइम and on y-axis we take velocity। अगर इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो क्या ध्यान देना है, दो एक्सिस बनाएंगे, एक x-axis, एक y-axis। x-axis पे किसको रिप्रेजेंट करना है, टाइम को, और y-axis पे किसको रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी को। कोई भी कर्व बना सकते हैं हम, सपोज दैट ऐसा ही कर्व ले लिए। तो देखिए बेसिकली इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है, दोनों दिख तो एक ही जैसे रहे हैं। आपको अगर याद हो मैं पिछले क्लास में आपको एक विजुअलाइजेशन करा रहा था, फिर मैंने वहां पे बोला था कि ये आपका विजुअलाइजेशन गलत है, तो वहां पे क्या बेसिक डिफरेंस थी, हमने एक्सिस क्या लिया था, वहां पे हमने एक्सिस में एक्स लिख के फिर हम बोल रहे थे इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगी, पिछले क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्सिस मैटर करता है, जैसे इन दोनों ग्राफ में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दिख तो एक ही जैसे रहे, यहाँ टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, टाइम है और ये पोजिशन, यानी एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये आपको ध्यान रखना है। पोजीशन टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक क्लियर। अब चलिए थर्ड देखते हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्या होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, अब तो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो क्या होता है, डिफाइन मतलब उसमें टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हो। Here on x-axis we take time and on y-axis we take acceleration। Clear?
यहाँ पे हम लोग एक्सिस पे टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन को लेते हैं। अब यहाँ पे भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका दो एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पे टाइम को, और इसका भी कुछ कर्व ऐसे बना देते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें वाई एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लेबल दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां से क्लियर होगा कि हाँ ये ग्राफ हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो इस चीज के लिए आपको ग्राफ को अच्छे से देखना होगा कि एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एक्सिस पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगी तो पोजिशन टाइम ग्राफ होगा, अगर एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, और अगर एक्सिस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक पहले आप समझ लीजिएगा कि एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा सारा चीज सही किया लेकिन एक्सिस नहीं रिप्रेजेंट किया तो आप बताओ सही होगा या गलत? गलत होगा। ठीक है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करना क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस को हमें रिप्रेजेंट करना है, बार बार बोल रहा हूं एक्सिस रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर यहां तक? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए। चलिए, नहीं उठ रहा है तो मैं आपसे ही एक क्वेश्चन कर लेता हूं, मैं खुद स्टूडेंट बन जाता हूं आपके साथ। यहां पे हमने जितने भी डिफिनेशन दिए वहां पे हमने क्या लिखा, हियर ऑन एक्स एक्सिस वी टेक टाइम, हियर ऑन वाई एक्सिस वी टेक वेलोसिटी, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक टाइम, यानी हमेशा एक्स एक्सिस पे ही टाइम ले रहे हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन तो ऐसा उठना चाहिए ना कि सर हमेशा एक्स एक्सिस पे ही क्यों टाइम को ले रहे हैं। क्वेश्चन उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है? कि बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठा भी होगा कि सर आप एक्स एक्सिस को ही क्यों टाइम ले रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है और ये कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोग एक्स एक्सिस, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का कि क्यों हमने एक्स एक्सिस पे ही टाइम को लिया, कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने एक्स एक्सिस पे ही टाइम को लेंगे या फिर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेंगे। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। जैसे मैं आपको अगले एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जैसे हमने ये प्लॉट किया और यहाँ पे हमने टाइम लिखा और ये हमने पोजिशन लिखा। ठीक है, एक ग्राफ को समझते हैं, उसी से तीनों का हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग पोजिशन लिखते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें स्टडी करना हो टाइम के रिस्पेक्ट में कि हाँ जीरो पे यहाँ पे था, फिर वन सेकेंड पे यहाँ पे पहुंचा, फिर उसके बाद अगले ही सेकेंड पे वो यहाँ पे पहुंचा, तो इस तरह से यहाँ पे स्टडी करना काफी ईजी हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे, इधर जाएंगे, एक पे किधर था तो चलो इधर था ये वाला, दो पे किधर था इधर था, तो ये देखो ये तो बहुत सारा पोजीशन हो गया। तो क्या एक टाइम पे कोई कोई इंसान दो जगह पे रह सकता है क्या कि हाँ एक टाइम पे ये पहले 10 मीटर पे था, तो जीरो सेकंड पे कितना था, ये जीरो पे, फिर वन सेकंड पे सपोज दैट 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, और जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ ये दो पोजिशन पे, तो कोई इंसान एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर वो कन्वेंशन फॉलो नहीं होता है। लेने के लिए आप दोनों ले सकते हो, कुछ केसेस में आपका सही आ सकता है, लेकिन कन्वेंशनली कि एक टाइम पे जो होता है एक ही पोजीशन होगी, एक्चुअली ये फंक्शन बनता है ना ये, तो बेसिकली आपका डाउट क्लियर हुआ कि? चलिए मैं आपको मिसअप नहीं करता हूँ, क्लियर करता हूँ चीजें। अगर हम लोग यहाँ पे टाइम ले, क्योंकि हम देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा टारगेट है ग्राफ प्लॉट करना, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कोई भी एक्सिस किसी को भी चूज कर सकते हैं। इस चीज के लिए हम लोग फ्री हैं, फ्री टू चूज एक्सिस, फ्री टू चूज एनी एक्सिस। ठीक है कि हाँ टाइम को मैं एक्स चूज करूं या वाई चूज करूं, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। अगर आप टाइम को एक्स एक्सिस चूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम को आप वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तो आप एक इशू ये देख रहे हो कि सेम टाइम पे ये दो पोजीशन दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग सारे यहाँ जितने भी हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सब जगह हम लोग टाइम को किस एक्सिस पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो ये मेन रीजन है, क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपका नहीं, बस ये था कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में ये चीजें डिफाइन नहीं हो रही थी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ग्रीन मार्क से कि आखिर ये गलत क्यों। दिस ग्राफ इज नॉट अ वैलिड ग्राफ। क्यों? बिकॉज एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड It gave two position which is not possible,
यानी इस ग्राफ को हम लोग वैलिड ग्राफ नहीं बोलेंगे क्योंकि टी इक्वल टू 2 सेकंड में ये दो पोजीशन दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग अपने मेन टास्क पे चलते हैं कि कैसे हम लोग पोजिशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और कैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। पहले इस चीज को समझते हैं, फिर हमारे आगे जो टॉपिक्स होंगे काफी इजी हो जाएंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा एक ही टर्म्स को। तो अगला लिखते हैं ड्रॉ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, पहले एक को समझते हैं कि हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालते हैं, तो ये चीजें एक हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। बेसिक छोटा सा एक लेक्चर चलते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, देन ड्रॉ पोजिशन टाइम ग्राफ। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज पे अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट इसका अप्लीकेशन हो जाएगा, तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि कैसे ये हो रही है, कैसे ग्राफ्स बनते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, देन ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तीनों की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है 3t स्क्वायर, तो यानी इसका तो ग्राफ बन जाएगा। पोजीशन अगर मान लीजिए t की वैल्यू 1 रखे हैं, तो चलिए कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं पर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पे x दिया हुआ है 3t स्क्वायर, तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए इसको प्लॉट करने। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं, जैसा हम लोग पिछले ग्राफ्स में प्लॉट करते समय बनाते थे। ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा t। अगर x t की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, t की वैल्यू 1 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, t की वैल्यू 2 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 2 4 3 12। बस हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं रैंडम। फिर t की वैल्यू अगर हम लोग -1 पुट करें तो क्या आएगी, क्या हम लोग -1 पुट कर सकते हैं टाइम निगेटिव में, नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग -1 पुट नहीं करेंगे। क्लियर। अब हम लोग t इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 जा 27। 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 48। ऐसे आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं वेरियस पॉइंट। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0, 0, 1, 3, 2, 12, 3, 27 और ये 4, 48। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। क्लियर। अब चलिए इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले दो एक एक्सिस चाहिए हमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है पोजिशन। देखिए आपको पता होगा एक्स इक्वल टू 3t स्क्वायर ये एक पैराबोला का इक्वेशन, तो ग्राफ कुछ पैराबोलिक टाइप बन। तो इसको हम लोग पहले प्लॉट करते हैं कि ये बन कैसा रहा। तो 0, 0 समथिंग यहाँ पे ये पॉइंट आएगी, फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इसे मैं कलर दूसरे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 0, 0 तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 0। ठीक है, अब अगला क्या है पॉइंट हमारा, 1, 3। 1, 3 मान लेते हैं ये 1 और ये यहाँ पे 3। यहाँ पे नोट भी करते जाते हैं क्योंकि थोड़ा स्केलिंग ज्यादा बड़ा हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, 2, 12। 2, 12 यानी 2 यहाँ पे होगा तो 12 कुछ ऊपर ऐसा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है क्या। इसको अगर हम लोग ग्रीन कलर से ही प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, ये यानी कुछ पैराबोलिक टाइप बन गई। थोड़ा और अगर अच्छे से इसको प्लॉट करें तो रुकिए, मैं इसको थोड़ा व्यू अच्छा आपको आए इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ। चीजें वही है, बस मैं इसको थोड़ा सा लुकअप अच्छा है इसका, ये 0 हो गया
वन टू, नेक्स्ट हमारा क्या है 312, ये इधर होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ 5, 10, 15 लिखते हैं, ये टाइम हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो इसको आप ग्राफ पेपर पर जब प्लॉट करोगे तो ये आपका फिगर सही बनेगा। तो 0,0 ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, 1,3 जो है वो समथिंग आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, ठीक है, और आपका जो दूसरा पॉइंट है 2,12 ये कहाँ पे आ जाएगा आपका 2,12 समथिंग यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसका ग्राफ देख रहे हैं, तो ये ग्राफ कैसा मिल रहा है हमें, पैराबोलिक, पैराबोलिक, ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। इस फिगर के नीचे हम लिख देते हैं, ये फिगर किसका बना हमारा, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्लियर है। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमें मिल गया, कैसे नहीं मिला, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया था उसमें हमने वैल्यू रखते गए टाइम की और एक्स की वैल्यू मिलती गई और उसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया, तो ये हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए देखिए, अगर हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता है ही इज इक्वल टू डीएक्स बाय डीटी, यानी एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लिया जाए तो हमारा वेलोसिटी मिल जाता है। तो यानी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या करना होगा, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करनी होगी, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करना होगा, तब जाके हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले यही कर लेते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3t2, अगर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dx by dt is equal to d 3t2, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब यहां कांस्टेंट टर्म है 3, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3t2 dt। बेसिक जो रूल था हमारा जो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे उस चीज को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको जब हम लोग फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 3 into ये डी एक्स की पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो वैसे ही यहाँ पे ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, टू इंटू टी टू दी पावर 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3 into 2 into t, तो ये आ जाएगा 6t। और dx by dt का मतलब क्या होता है, ये तो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी क्या आ गया 60। अब वेलोसिटी हमें 60 मिल गया, तो अब हम लोग यहां से ये निकाल सकते हैं क्या कि किस टाइम इस पे कौन कौन से पॉइंट्स लाइक करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं हमने किया क्या, x is equal to 3t2 था तो हमने सबसे पहले x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला, डी 3t2 dx by dt, यानी डी 3t2, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा, ये 3 dt2 dt, यानी टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 3 into 2 into t to the power 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3 into 2 into t, यानी 60, यानी वेलोसिटी मिल गई हमें 60, क्लियर। और वेलोसिटी यहाँ पे 60 हमें मिल गई, अब हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जैसा पहले करते हैं हम लोग, पहले करते थे, यहाँ पे हम लोग टी लिखेंगे यहाँ पे, तो अगर टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ पे पुट करने पर, टाइम अगर 1 सेकंड है तो वेलोसिटी 6 आएगी, टाइम अगर 2 सेकंड है तो क्या हो जाएगा 6 into 2, यानी 12, और 3 है तो ये 80। तो ऐसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, इसको मैं लिखता हूँ 0,0, 1,6, 2,12 और 3,80, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स मिल गए, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखिए 0,0, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ रोटेशन, ये हमारा 0 हो गया, ये 1, 2, 3 ये टाइम हो गई, और यहाँ क्या रहेगा, एक्स या वी ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना, फिर यहाँ पे 6, ये 12 और ये 18। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ था, सॉरी हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए, 0,0, तो 0,0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ये, फिर 1,6 ये यहाँ पे आएगा, 2,12 ये यहाँ पर आएगा, और थर्ड क्या है 3,18, तो ये यहाँ पे कुछ आ जाएगा,
अब इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इन पॉइंट से पास करती हुई। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला वो कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन, और पीछे क्या मिला था, पोजिशन टाइम ग्राफ के लिए पैराबोला। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, ठीक। अब यहां पे मैं फिगर का भी नाम लिख देता हूं, फिगर क्या है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या था फॉर्मूला वो देखते हैं पहले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी। डीवी बाई डीटी का मतलब क्या है कि हमें वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। यानी हमने बेसिकली किया क्या, पहले जो डिस्टेंस था उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आया। अब हमें वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, हियर v इज इक्वल टू, क्या आया था हमारा v, पिछले केस में v आया था 60, v इज इक्वल टू 60। तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, dv बाई dt, और ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगा जैसा पीछे फार्मूला दिया हुआ था। यानी अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो d 60 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 dt, t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt dt, तो ये आ जाएगा 6। यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया, 6 m/s², यानी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है। अब कुछ भी टाइम रखो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो यानी इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा ग्राफ इसका, ग्रीन से ही मैं प्लॉट करता हूं ताकि थोड़ा सिमेट्रिकल लगे चीजें। तो ये तो हमारा टाइम एक्सिस हो गया, यहाँ पे कुछ टाइम नोट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे हम 3 के यूनिट पे 2 पॉइंट लिख लेते हैं, और ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। ये ध्यान देना यूनिट, अगर आप यहाँ पे भी लिख दिए तो क्या हो जाएगा, गलत या सही, बिल्कुल गलत होगा, वो सही नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन टाइम अगर आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब एज कल टू 6, यानी टाइम 0 था तो भी 6 था, तो भी 6 था, 1 गया तो भी 6 है, 2 गया तो भी 6 है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। यानी इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्या, बिल्कुल। तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसा मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे इसका ग्राफ मिल जाएगा। यानी ये ग्राफ इसका क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्लियर। अब ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इस फिगर का नाम भी लिख देते हैं, ये फिगर क्या है, फिगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एक तीनों फिगर में देखिए आप ध्यान से, एक काम करते हैं हम तीनों फिगर को एक ही जगह पर प्लॉट कर देते हैं। पहला पोजिशन टाइम ग्राफ, ये कुछ ऐसा हमें मिला था, फिर अगला जो था वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, फिर अगला जो था वो हमें क्या मिला हुआ था, वो हमें एक्सेलरेशन का, वो एक कांस्टेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, टी और ए से क्या पता चल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, टी और वी से क्या पता चल जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और टी और एक्स से क्या पता चल जाएगा कि ये पोजिशन टाइम ग्राफ, क्लियर यहां तक। अब तीनों ग्राफ में देखिए, पहले ये पैराबोलिक था, फिर स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मिला, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या मिला, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, तो यहाँ पर एक जो ग्राफ मिला वो टाइम एक्सिस के पैरेलल मिला, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। तो यानी बेसिकली अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जैसे हमने पिछले केस में क्या था कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करनी थी तो हमने उसका डिफरेंशिएट किए थे उसको टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो ये चीज मिली थी यहाँ पे। फिर जब हमें वेलोसिटी मिल गई तो फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, एक्सेलरेशन मिला, फिर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी, अगर पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं, क्लियर।
चलिए यहां से फिर आगे बढ़ते हैं कुछ कंक्लूजन की तरफ। पहला मैं हेडिंग देता हूं इम्पोर्टेंट, यहां से आपको इम्पोर्टेंट नोट करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये ग्राफ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सब यहाँ पे कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट नोट, नोट पॉइंट में आप नोट कर सकते हो सारी चीजों को। पहला, अगर हमारे पास सपोज दैट पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा बेसिक सा, ये टी हो गया, ये एक्स हो गया और ये जीरो है, यहाँ पे मान लेते हैं ये वन, सॉरी इसको हम लोग सेवन मान लेते हैं, और ये एक प्लॉट दिया हुआ ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस 2 सेकेंड। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका एरिया निकाल के बताइए तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ये एरिया जो मैं सेट कर रहा हूं एलो मार्क्स, इसका नाम अगर दे दें तो ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी कितने लोग का आंसर आ गया, ठीक। चलिए मैं इसको बता देता हूं, एक्चुअली में ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा 2 होगा, ये 7, अच्छा ये बड़ा लग रहा है ये छोटा लग रहा है, यूनिट हमने यहाँ पे ले लिया ना कि एक यूनिट 7 के बराबर है, और ये क्या है ये 7। तो हमें इस रेक्टेंगल का लेंथ भी पता है ब्रेथ भी पता है, तो क्या हो जाएगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 × 7, ये 14 आ गया स्क्वायर यूनिट जो भी। अब एक चीज देखिए, यहां से x इंटू टी हमने ये किया तो यहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक। अगर इसका हम लोग स्लोप निकालें इस लाइन का, यानी स्लोप ऑफ बीसी का मतलब क्या, हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे, इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, अगर किसी पॉइंट जैसे ये पॉइंट दिया हो इस पॉइंट पे, इसको पी दे लिख देते हैं, तो स्लोप ऑफ बीसी, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, इसको इरेज करते हैं, जो मैं रेड कलर से लिखूंगा समझिएगा रेड पॉइंट्स के लिए वो मार्क है वो, तो क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ऑन लाइन बीसी या कर्व जो भी है, ऑन लाइन बीसी या फिर हो सकता है कर्व बोल सकते हैं, इस पार्टिकुलर केस में ये क्या है लाइन बीसी है, क्या होगा ये 0 आएगी। और ये 0 आने का मतलब क्या है कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेलोसिटी क्या है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, This gives velocity of object at P. यानी अगर हम लोग इसको नोट करें तो क्या होगा Vp is equal to 0 meter per second आ जाएगी, ठीक। यानी हम लोग पोजिशन टाइम ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर उसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या देगा वेलोसिटी देगा उस ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट पे, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली बोला जाए तो अगर इसको मैं बॉक्स में घेर दूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर यहां तक, ठीक। अब हम लोग अगला चलते हैं, ये एक्स और टी, मैं पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्स और टी का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, अगले में मैं लिख दूंगा ताकि आपको क्लियर होता जाए कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेकेंड नोट लिखते हैं हम लोग फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ एक चीज पीछे देखिए, हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया है, हो सकता है कर्व कैसा भी हो, कर्व भी हो सकता है कुछ भी, तो कंक्लूजन यही दोनों ही निकलेगा, ठीक है, कि उसके पास स्लोप, अगर किसी पॉइंट पे अगर स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो जो स्लोप होगा वो क्या देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन देगा वो, और इसका एरिया कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। लेकिन इस केस में देखते हैं क्या होता है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, सबसे पहले सिमिलर काइंड का ग्राफ प्लॉट करते हैं, बस यहाँ पे हमने भी कर दिया जिससे पता चल जाए कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कुछ हमने एक्सिस मार्क कर दिया, सपोज ये 0 ये 1 ये 2 और ये हो गया हमारा, ये मान लेते हैं ये 7, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, सेम केस है, एक ही केस को एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग ग्राफ में, इसका नाम है ओ ए बी सी, बस हमने चेंज क्या किया, यहाँ पर पिछले वाले केस में क्या था एक्स और टी था, यहाँ पर हमने बी और टी कर दिया। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाता है पिछला वाला तो क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ यहाँ पर 2
सॉरी ब्रेथ यहाँ पे टू, लेंथ है सेवन, तो हो जाएगा ये टू इंटू सेवन यानी 14 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएबीसी 2 इंटू 7 यानी 40। अब हम इसके स्लोप पे बात करते हैं। हाँ एक चीज और ध्यान देते हैं, ये हमारा वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी यूनिट की बात करें, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, वी इंटू टी निकाल रहे थे ना, तो ये क्या आएगा, हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा, यानी वी इंटू टी क्या देगा, डिस्टेंस देगा कि नहीं देगा। तो वी इंटू टी क्या देगा, डिस्टेंस, बिल्कुल सही। तो ये जो एरिया आई है वो क्या दे रही है, एक्चुअली 14 जो आया है जीटी से वो दे क्या रहा है, ये हो गया टाइम टी और ये हो गया भी, तो भी इन टू टी की यानी डिस्टेंस, यानी जो एरिया है वो क्या दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू टू सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, दिस गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जीरो टू टू सेकेंड। क्लियर है यहां तक, कि यहां से यहां तक चलने में कितना वो डिस्टेंस कवर किया वो इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब स्लोप पे आते हैं। तो स्लोप के लिए मैं फिर कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट चूज किए, पी नाम दे दूं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये पार्टिकुलर एक केस ले, कर्व कैसा भी हो सकता है, तो ये आप जनरलाइज नहीं, बस हम पार्टिकुलर एक केस को स्टडी कर रहे हैं तीनों के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, पोजिशन टाइम ग्राफ के लिए और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द कर्व, यहां पे कर्व क्या है, लाइन बी सी, ब्रैकेट में लिख दे रहे, तो ये क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। अब ये जीरो आने का मतलब क्या है, एक्चुअली स्लोप का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने वेलोसिटी वी पी लिख दिया था, क्योंकि डीएक्स बाई डीटी करते थे, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पे वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और सिमिलरली हमने पढ़ा था जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट वो क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो ये क्या देगा, दिस गिव्स एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी, जो कि क्या है, AP is equal to 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे मैं बॉक्स में कर देता हूं, जो जो इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली, ताकि आपको क्लियर रहे, फोकस होना चाहिए। देखिए तो बेसिकली हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरा उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हो, और कुछ वेरियस एग्जांपल से आप खुद करके अलग अलग ग्राफ्स के लिए भी आप निकाल सकते हो, क्या इस ग्राफ के लिए क्या होगा। मैं कुछ एग्जांपल इस तरह इससे रिलेटेड आपके डीबीबी में डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक, अब थर्ड चलते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे, बस एक्सिस चेंज कर देंगे, वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो चलिए प्लॉट करते हैं, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ये लाइन हमने दो ड्रॉ कर दिया, ये ए हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, सेम ये टू और ये जीरो, और यहां पर हमने इसको सेवन ले लिया। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, यहां ओ ए बी सी, सिमिलरली ये एरिया फाइंड करनी है। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, टू होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, सेवन होगा। तो हम लोग यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पार्टिकुलर रेक्टेंगल है तो इसलिए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ये क्या आएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी टू इंटू सेवन 14, सेम आएगा तीनों केसेस में, एरिया तो सेम ही आएगी, बट कंक्लूड क्या हो रहा है वहां से ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले केस में हमने एरिया से क्या देखा था, कि भी इंटू टी डिस्टेंस दे रहा है ये, और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जीरो टू टू सेकेंड, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली थी कि डिस्टेंस दे रहा है वो जो ग्राफ का एरिया है। यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी,
तो अगर हम लोग a इंटू डेल्टा t करेंगे तो ये क्या देगा, डेल्टा भी देगा क्या, कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बोल सकते हैं? तो अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हम बोल सकते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो देन a इंटू डेल्टा t क्या देगा, वेलोसिटी देगा उस पार्टिकुलर टाइम पे, 2 सेकेंड तक कितना इसकी वेलोसिटी थी, समझ में आया यहां तक? तो यहां से हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे यहां पे हमने क्या लिखा था, दिस गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या दे रहा है, दिस गिव्स चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ 0 से 2 सेकंड के बीच में, वो इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल रही है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ, जो कि स्लोप पे। तो इसके लिए फिर मैं कलर चेंज करता हूं, सारी चीजें रिलेटेड है, बस देखिए हमने यहाँ पर पिछले केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था, उससे पिछले केस में पोजिशन टाइम ग्राफ लिया था, अब इस केस में हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, अब इसके एक पॉइंट पी पे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द कर्व बीसी, टू द कर्व, यहां कर्व का मतलब किससे है, लाइन बीसी से, टू द कर्व लाइन बीसी क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द कर्व लाइन BC इज इक्वल टू जीरो, ये तो सारे केस में जीरो होगा, लेकिन यहां से कोई कंक्लूजन आ रही है क्या, अगर हम लोग dA by dt करेंगे तो अभी तक तो हमने कोई ऐसा पढ़ा नहीं कि हाँ एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके, तो अभी तक के नॉलेज में हमने कोई भी यहां से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, यानी यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो चलिए तीनों ग्राफ्स को देखते हैं कि हमें तीनों ग्राफ्स में से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली अगर हम लोग सेम केस लेके चल रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस एक्सिस को लेवल करने का क्या इंपॉर्टेंस है, हर केसेस में चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। तो जैसा कि हमने पहले देखा पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है कि हमें यहां से इसके स्लोप से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, सेकेंड नेक्स्ट एक्सेलरेशन, अगर हम लोग उसका एरिया निकालते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है ड्यूरिंग दैट टाइम, ले रहे हैं यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, उससे थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड दी डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 2 to 6 सेकेंड। टाइम इंटरवल आप ध्यान दीजिएगा, फिगर में आपको दे देता हूं, 0, 2, 4 और ये 6, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आएगी ये हो जाएगी 5, और यहाँ पे हम 3 भी लिख देते हैं और यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं, ठीक है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पॉइंट्स को लेवल कर देते हैं 5 और इसके ये तीनों एक पॉइंट्स, तो ये आपका हम लोग 5 ले लेते हैं और ये 10। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करिए, पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए। हाँ, ये आपका सही क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए, सर एक्सिस तो लेवल किए नहीं, चलिए एक्सिस लेवल कर देते हैं। अब सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए, पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, पीछे वीडियो जाके फिर से देखिए, समझिए, पॉज करिए, खुद से उसको ड्रा करिए, फिर इस एग्जाम्पल को लगाने की कोशिश करिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं फिर से इस ग्राफ को ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों अलग अलग मिले। इसे मैं प्लॉट करता हूँ, थोड़ा ये बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसको मैं सही कर देता हूँ पहले ताकि लगे कि जैसा है। ये लाइन ड्रॉ नहीं है, मतलब ये डैश लाइन है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये आपका 1 हो गया, ये 0, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 2 हो गई, यहाँ पे ये 3, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 4, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये 5, ये 6, ये आपका टी हो गया और ये आपकी वेलोसिटी हो गई।
यहाँ पे हमने इसको 5 मार्क कर दिए और ये आपका 10 मार्क हो गया। 10 मार्क क्वेश्चन ही 10 पॉइंट पोजिशन को बता रहा है। वेलोसिटी अपने एसआई यूनिट में है, टाइम भी अपने एसआई यूनिट में है। एसआई यूनिट का मतलब ये मीटर में दिया हुआ है और ये किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में भी मैं लिख देता हूँ, सॉरी टाइम को तो सेकेंड में मेजर करेंगे ना, टाइम आपका सेकेंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस कवर। तो क्या ये पहले ये देखिए, क्या हम लोग इससे डिस्टेंस बता सकते हैं क्या, कि 2 से टाइम इंटरवल 2 से 6 सेकेंड के बीच में। तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या है, ये है। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस को बता सकते हैं। तो यानी डिस्टेंस कैसे बताते हैं, इसके एरिया से जितने भी टाइम इंटरवल में बोल रहा है उस टाइम इंटरवल में एरिया फाइंड कर लिया जाए तो हम लोग बता देंगे कि हाँ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 2 to 6 सेकेंड में ये पूछ रहा है, तो 2 से 6 सेकेंड के बीच में हम लोग इसका एरिया फाइंड कर ले। तो 2 to 6 सेकेंड क्या हो जाएगी, ये होगा लाइन और ये होगी लाइन, इसके बीच का ये पूरा हमें एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे निकालना है, ये टास्क हो गया हमारा। यानी नेक्स्ट टास्क क्या है, तो इसको मैं लेवल कर देता हूं। और लेवल करने से पहले क्या हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो चलिए मैं रेट मार्क का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक छोटे से ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दूं इधर, या फिर और अच्छा अगर इसको बोला जाए तो आप ऐसे डिवाइड करो, आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा ये रेक्टेंगल ऐसे ले सकते हैं, यानी ऊपर वाला ये मैं रेड मार्क, यानी अगर ऊपर वाले पार्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालने हो नीचे वाले, तो देखिए ये डिस्टेंस क्या है, 5 है क्या, बिल्कुल है। और 2 से 6 तक की लेंथ कितना आएगा, 6 - 2 यानी ये 4, तो इसका एरिया तो इजीली निकल जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग अभी, क्योंकि नाम देने से ये इजी रहता है, उसको समझने में आसानी रहती है। तो ए से स्टार्ट करते हैं लेवल करना, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे पहले जो इंफॉर्मेशन मिली वहां से हम लोग लिख लेते हैं। हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल का नाम, ए बी सी एफ। ए बी सी एफ क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कितना आ जाएगा, ये लेंथ हमारा कितना है 4, लेंथ कितना है 4, सॉरी इसको ब्रेथ बोलेंगे जो छोटा होता है ये ब्रेथ, और हाइट कितनी है, सॉरी लेंथ कितना है इसका 5 और ब्रेथ कितनी है 4, यानी 5 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 4 यानी 20 आ गया सेकंड में और ये सेकंड में है। अब नेक्स्ट इसके लिए बढ़ते हैं, तो ये लेंथ क्या होगी, ये देखो जरा ध्यान से, ये 4 है ये 6 है, तो ये लेंथ तो 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 4 से 6 के बीच में। और इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट इस वाले हाइट के इक्वल है और ये कितना है 5, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी हाइट 5 हो जाएगी। इसको मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर। तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी इसकी 5। चलिए अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। अब इस ट्रेंगल का बेस पता चल गया और हाइट पता चल गया, तो हमें पता है ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस × हाइट। तो वहां से इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल, क्या है ट्रेंगल का नाम, ईसीडी, ई सी डी, 1/2 बेस × हाइट। तो बेस क्या है हमारा 2, हाइट क्या है 5, 1/2 × 5 यानी हो जाएगा ये 5 मीटर। तो हमें तो टोटल एरिया निकालनी थी, दस, क्योंकि टोटल एरिया ही डिस्टेंस देगा, दस डिस्टेंस यहां पे पहले लिख लेते हैं, हेंस टोटल एरिया इज, टोटल एरिया क्या हो जाएगा दोनों का सम ऑफ 20 + 5 = 25 मीटर। तो क्या लिखेंगे, दस डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 सेकेंड to 6 सेकेंड इज 25 मीटर। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने जो भी टाइम इंटरवल बोला था 2 to 6 के बीच में, उसमें हमने उसका एरिया फाइंड किया, जो कि एरिया हमारा क्या आया 25। ये 25 क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द
टाइम 2 to 6 सेकेंड। क्लियर है? तो चलिए देख आज के सेशन में क्या हमने पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट था ग्राफ के बारे में स्टडी करना, तो सबसे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को समझा क्या होता है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। नेक्स्ट हमने ये देखा कि हम लोग क्यों एक्स एक्सिस पे ही टाइम को लेते हैं, पोजीशंस को क्यों नहीं लेते हैं। उसमें हमें कुछ केसेस में ये मिला कि ये ग्राफ जो बनेगा वो वैलिड ग्राफ नहीं होगी, इसलिए हम बाय कन्वेंशनली एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे पोजीशंस या वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी प्लॉट करते हैं। फिर हमने पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी गिवन इक्वेशंस के लिए प्लॉट करना सीखा कि अगर हमारे पास पोजीशंस किसी इक्वेशंस के द्वारा दी जा रही है तो कैसे तीनों ग्राफ्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियो। फिर हमने कुछ इससे कंक्लूजन निकाले कि हाँ अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्राफ से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी के बारे में निकाल सकते, वेलोसिटी पता कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, सॉरी पहला जो था पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट पे पता कर सकते हैं। सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन के स्लोप से ये बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसके एरिया से हम ये बता सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है ड्यूरिंग दैट, और इसके स्लोप से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर हमने इस पे क्वेश्चंस किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वहां पे जो भी इस कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन पार्ट है कि कैसे हम लोग किसी इक्वेशंस को डिराइव करते हैं वो चीज हम लोग वहां पे देखेंगे। थैंक यू।